कहानी वैसे शुरू करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ी थी हमने। लेकिन एक मिनट, ओके जी। सो पिछला जो एक साल गुजरा है बहुत तेज़ी से गुजर गया। ये जो एक साल था चाइना से आने के बाद, एक साल मैंने यूनिवर्सिटी में टीचिंग में गुजारा। शुरू के 4 महीने पता नहीं लगे, एक कोर्स था मेरा इवनिंग मॉर्निंग दोनों में, लेकिन बहुत जल्दी गुजर गया वो, बहुत मज़ा आया उसमें भी। सेकेंड सेमेस्टर वॉज काइंड ऑफ लिटिल बिट स्पेशल, मेरे पास 3 कोर्सेज थे। वो वक्त इतनी जल्दी गुजरा कि आई कुडंट इवन बिलीव इतनी जल्दी गुजर गया। सुबह आता था मैं क्लास लेने के लिए, सुबह होती थी, शाम होती थी, और इसी तरह से पूरा हफ्ता गुजर जाता था। एंड देन लाहौर का ट्रिप आया, बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेज के साथ कोर्ट भी बेस्ट क्रॉप का सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट की थी। जो सफर था हमारा उसमें बहुत एंजॉय किया हमने। हिंदी है, कितने वर्ड हैं? एक वर्ड सही है, विक्ट्री। रनिंग धोनी, एमएस धोनी। सिंदूर धोनी ने सिंदूर, धोनी पूजा, आरती, लगान। वाह लड़के वाह। ये तुम क्या कर रहा था? But at the end of the year, I don't know, I should call it pleasant or unpleasant, but that surely was the saddest part of the year. Or that was the time when I announced in the class that I'm going to leave. I'm not going to continue in the next semester. And the students were excited. They were happy at the same time and they were sad as well. But they were excited for me. मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, बादल सारे जा चुके हैं, स्काई हैज क्लियर्ड अप, सो आई थिंक बाकी की बातें बाहर जाकर करते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। सो व्हाट आई बिलीव इज इफ यू आर इंस्पायरिंग पीपल, अगर लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी वजह से मोटिवेट हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाट मैटर्स। बाकी किसी चीज़ को कोई अहमियत नहीं है। हमेशा हर शख्स का ख्वाब होता है कि अच्छे से अच्छी नौकरी करें, फिर मकान बनाएं और फिर उसी मकान को घर बनाएं, और बाकी बचे ज़िंदगी बच्चों को परवान चढ़ाने में सर्फ कर दें। और ज़िंदगी सिर्फ इसी काम में खर्च नहीं हो जाती, बल्कि इस दौरान अपने और अपने आसपास लोगों की ज़िंदगियों में मौजूद मुश्किलात को गाहे बगाहे कभी किस्मत और कभी हुक्मरानों को दोष देंगे, लेकिन कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। मुझे ऐसा शख्स नहीं बनना था, तो जो मुझसे हो पाया, जो मुझे मनसब मिला था, उसमें रहकर मैं जितना कर सकता था मैंने किया। मैं लोगों को जितना इन्फ्लुएंस कर सकता था, जितना सही और गलत बता सकता था, सही और गलत में तमीज़ करना सिखा सकता था, मैंने वो किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। तो आज मैं यहाँ हूँ तो उसका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि मैं वो अच्छे से अच्छा सीख सकूँ, जो मैं आगे दूसरों को बता सकूँ, जिससे शायद तब्दीली आ सके। I think at the end of the day what really matter is how satisfied you are. आप अपनी परफॉर्मेंस से, आप अपनी ज़िंदगी से कितने सेटिस्फाइड हैं। लास्ट वन ईयर दैट आई स्पेंट इन द यूनिवर्सिटी, आई थिंक आई डिड माई बेस्ट, मुझसे जो बन पाया, जो मुझसे हो पाया, आई डिड इट एंड आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी दैट आई मैनेज टू इंस्पायर अ फ्यू, आई मैनेज टू मोटिवेट अ फ्यू, एंड दैट्स इट।
So I think I'll see you tomorrow, inshallah.